A very good evening to all of you guys. क्या हाल चाल है जल्दी मुझे बता दीजिएगा. Am I properly audible and visible to all? Am I properly audible and visible to all? Properly audible and visible? गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? अरे भाई कोई तो बोल दो. आपकी चामरा जी बिल्कुल यस ओके. बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को विदाउट एनी डिले नाउ, क्योंकि हम आ गए हैं सर्वेइंग के लास्ट पार्ट पर. और लास्ट पार्ट का मतलब है कि एक से दो लेक्चर में ये हमारा सर्वेइंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है कि एक से दो लेक्चर के अंदर हमारा सर्वेइंग यहाँ पर कंप्लीट होकर के आ रहा है. तो आपके लिए काफी अच्छा यहाँ पर वो निकल करके आएगा. ठीक है, चलो गुड इवनिंग जितेश जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग. सेशन को शेयर करो जल्दी से. गुड इवनिंग अमित बघेल जी. तो मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सेशन सर्वेइंग के अंदर, जो कि हमारी एसएससी जेई डेडिकेटेड क्लास चल रही है. और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आज का जो टॉपिक होगा वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कई बार आप इस टॉपिक को छोड़ करके चले जाते हैं, और छोड़ करके चले जाते हैं एक दो क्वेश्चन यहाँ से आजकल एसएससी पूछने लगा है. पहले यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट अब हम बात करते हैं यहाँ से एसएससी भी आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है. तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या होगा, थ्योरी ऑफ एरर एंड एडजस्टमेंट. इसकी जरूरत क्यों है ये बताओ, इसकी जरूरत क्यों है, हमें ये समझने की जरूरत है कि इसकी जरूरत क्यों निकल के आती है. थ्योरी ऑफ एरर का मतलब क्या है भैया, एरर तो हो रहा है, एरर मतलब क्या होता है, गलती, त्रुटि. और त्रुटि अगर हम कोई भी मेजरमेंट देने जाते हैं तो त्रुटि होती ही है, ये जरूरी है. क्यों, अगर हम बात करते हैं कुछ एडवांस कंडीशन है, एटमोस्फेरिक कंडीशन है कि हम किसी भी चीज का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं. जैसे कि हमने जब स्केल पढ़ा हुआ था तो हमने बोला हुआ था कि स्केल पढ़ने की कंडीशंस में क्या होता है कि स्केल पढ़ने की कंडीशन में हम डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक रहते हैं. तो डेसिमल के बाद 3.2 ले लिया, तो अगर 0.2 ले लिया तो यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, ये 0.2 टू और थ्री के बीच में आ गया. ये हमारी जो रीडिंग आई वो टू और थ्री के बीच में आई, हमने कितना लिया 0.3. तो क्या एरर आ गई फिर से, कुछ ना कुछ एरर निकल करके हमेशा रह जाती है. और अगर कुछ ना कुछ एरर निकल करके हमेशा रह जाती है और उसको डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ एरर. क्योंकि हमने एरर ज्यादा ले ली तो हमारा ऑफसेट डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा मैप डिस्टर्ब हो जाएगा. पर चला एरर ज्यादा हो गई तो तुम 2 मीटर के डिस्टेंस पे भी घूम रहे हो और तुम्हें अपना अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो मिल नहीं रहा है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो मिल नहीं रहा है. तो ऐसे सिविल इंजीनियर बनोगे क्या, ऐसे सिविल इंजीनियर थोड़ी ना बनना है हमें. ऐसे सिविल इंजीनियर बनना है कि हमारा एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाए, हमारा एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाए, हमारे मैप वगैरह इस तरीके से प्रोड्यूस होने चाहिए. ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एरर के साथ डील कर रहे होते हैं और उसका एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं कि एडजस्टमेंट उस एरर का किस तरीके से किया जाना है. तो उस चैप्टर की बात हम इसके अंदर करने वाले हैं. क्लियर है बात, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. देन हम बात करते हैं यहाँ पर आपको एई जेई एग्जाम्स के लिए सुपर सेल यहाँ पर निकल के आई है, जो आज ही लास्ट है. आप गेट अगर हम बात करते हैं 25% के साथ एक्स्ट्रा 20% ऐप मिल रहा है आपको यूजिंग द कोड वैभव20. तो सुपर कोचिंग के लिए वैभव20 कोड को यूज कीजिएगा. और आपका जो 516 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा था, ईयरली सब्सक्रिप्शन 516 पर मंथ का पड़ रहा था, वो अब कितने का पड़ने वाला है, वो केवल और केवल 413 रुपीज पर मंथ पड़ने वाला है, 413 रुपीज पर मंथ पड़ने वाला है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल निकल करके आएगा. क्लियर है बात, तो ये कंडीशन आपके लिए निकल करके आ रही होती है. तो आप इस कंडीशन को यहां पर देख सकते हैं और ये कंडीशन आपके लिए निकल के आया. तो वैभव20 कोड को अप्लाई करना है और यहां पर एनरोल करना है. तो सुपर कोचिंग क्या है, आपको एई और जेई का सब्सक्रिप्शन एक ही कोचिंग के अंदर मिल रहा है. और आपको नंबर ऑफ कोर्सेज यहां पर मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सभी कुछ मिल रहा है. और साथ ही साथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट यहां पर कवर अप किए जा रहे हैं. एज वेल बात करें तो लाइव डाउट क्लासेस हो रही है, मैं भी यहां पर लाइव डाउट क्लासेस आपके ले रहा हूं. तो लाइव डाउट क्लासेस यहां पर निकल के आ रही है, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी. और हम बात करें वैभव20 कोड को याद रखना है, तो हम इसे सब्सक्रिप्शन को ऐड ऑन कर सकते हैं. साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहां पर
हमारी मास्टर क्लास जो हमें एसएससी जेईई में हम अभी ये थ्योरी सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं, इसका जो है वो प्रैक्टिस सेशंस जो हम लेकर के आते हैं वो हम 12:30 बजे अपनी मास्टर क्लास के अंदर लेकर के आते हैं जो मंडे टू फ्राइडे चलती है, और ये क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए निकल कर जाती है। तो आप यहाँ पर अगर इस क्विज को जीतते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑन सिविल जेईई सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चा, तो कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थ्योरी ऑफ एरर, थ्योरी ऑफ एरर ही हमारा टॉपिक निकल के आएगा। तो आपको पहले से तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर जीत सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर टेस्ट बुक पास का। तो बास पास कोड के साथ आप टेस्ट बुक पास को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी पास जो 349 का नहीं केवल 315 रुपीज में मिल रहा है, और 1 सितंबर से फिर से प्राइस हाइक हो जाएगा, 400 का ही ये पास मिलेगा आपको। और हम बात करें 400 का पास मिलेगा, 499 का पास मिलेगा, जो कि हम बात करें 499 का पास मिलने वाला है ईएलडी पास, तो काफी महंगा हो जाएगा भैया, महंगाई बढ़ रही है। तो तुम्हारे लिए पास का यहां पर लेने का है कि पास यहां पर एक्सेप्ट कर लो तो 315 रुपीज में तुम्हें पास मिलेगा, और इस पास के थ्रू तुम सारी चीजें यहां पर कवर अप कर सकते हो, तो काफी कुछ मजेदार निकल करके आएगा। तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आएगी, ठीक है। चलो तो हम बात करें पास एक्सेस कर लो और पास से टेस्ट लगाने स्टार्ट करो, उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। अगर हम बात करते हैं उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उनकी प्रॉपर रैंकिंग होगी, सारी चीजें प्रॉपर निकल के आएंगी, तो पास पास कोड आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल के आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हम थ्योरी ऑफ एरर्स। तो जल्दी से शेयर कर दो अपने अपने और अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम आगे थ्योरी ऑफ एरर की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ एरर तो बताओ, आप बताओ टेस्ट बुक पर यूट्यूब पे कौन सा फैकल्टी दिख रहा है सिविल का? मैं हूं ना, हाँ ये क्विज ऐप पर होगी, आशीष जी क्विज ऐप पर होगी ये बेटा। ये ईयरली प्राइस का प्राइस है 315 रुपीज, जो है वो ईयरली पास का प्राइस है, ईयरली 315 रुपीज ईयरली, 12 महीने के लिए आपको मिलेगा ये पास आज, नहीं तो कल से कल से 500 रुपए में मिलने वाला है, ध्यान रखना। आज लेना हो तो बास पास कोड लगाओ और 315 रुपीज में पालो, अभी बात बता दूंगा लास्ट में कितना, ठीक है, क्लियर है बात। तो वो कंडीशन निकल करके आती। चलो तो थ्योरी ऑफ एरर की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ एरर, तो थ्योरी ऑफ एरर की बात करते हैं, थ्योरी और एरर क्या होता है। सबसे पहले बताओ, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन में बात की है प्रणाम भैया अभय गुप्ता जी, तो अगर हम बात करें डिस्कशन में बात की है, अरे 300 का 250 नहीं 315 का, 349 का 315 में मिल रहा है तुम्हें। चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर थ्योरी ऑफ एरर की बात करते हैं, तो थ्योरी ऑफ एरर क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ एरर बोलता है, अच्छा एक चीज होती है, एक होता है एरर और एक होता है मिस्टेक, इनमें अंतर क्या है कोई बताएगा मुझे, कोई महानुभाव मुझे ये क्लियर करेंगे, एरर और मिस्टेक्स में अंतर क्या है, दोनों एक ही है क्या, गंगाधरी शक्तिमान है क्या, दोनों अलग अलग है। एरर हम बात करते हैं वो क्या है, एरर क्या है, एरर अगर हम बात करें कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं और अनजाने में एरर गलती से हो, मिस्टेक गलती से नहीं होती, अच्छा ठीक है, सेनापति रोशन को चारों तरफ फैला दो, अच्छा तो हम बात करते हैं मिस्टेक जो होती है वो नोइंगली होती है, क्या होती है, नोइंगली की गई गलतियां, हम जानबूझकर जो गलतियां करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, और जो एरर होती है वो क्या होता है, अननोइंगली होती है, अननोइंगली का मतलब बिना जाने समझे, बिना जाने बूझ के जो हमारी गलतियां करते हैं वो हमारी क्या होती है, एरर्स होती है। तो मिस्टेक्स जो होती है वो नोइंगली होती है, और गलती से भी मिस्टेक हो जाया करती है, ठीक है, गलती से भी मिस्टेक हो जाती है, तो ये भी कंडीशन यहां पर ध्यान रखना, तो गलती से कई बार मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है तो मुझे माफ कर देना। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो एरर क्या है, कभी भी कोई भी ऑब्जर्वेशन एरर फ्री नहीं होता है, चाहे हम सर्वेइंग में बात कर लें या जनरल लाइफ में बात कर लें, कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन, ठीक है, NH49 कौन है भैया, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कभी भी यहां पर कोई भी मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्टली ट्रू मेजरमेंट के बराबर नहीं निकलता, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के बराबर निकल करके नहीं आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं निकल के, मतलब ट्रू वैल्यू से कुछ ज्यादा हो जाएगा या ट्रू वैल्यू से कुछ कम हो जाएगा, और अगर ट्रू वैल्यू से कुछ ज्यादा या ट्रू वैल्यू से कम हुआ, मतलब ट्रू वैल्यू से उसका जो मेजरमेंट है वो कुछ डेविएट किया, तो उस कंडीशन में क्या निकल करके आएगा, उस कंडीशन में एरर निकल करके आएगा। तो एरर हमेशा किसी भी मेजरमेंट की बात करें, हमेशा किसी ना किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर निकल करके आता ही है। और अगर एरर निकल करके आता ही है तो एरर निकल करके जो आ रहा है तो वो एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जब एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो एरर के रीजन जो कॉजेज हैं वो क्या क्या रीजन आते हैं, तो हम बात करेंगे सबसे पहले रीजन ऑफ एरर। अगर हम रीजन ऑफ एरर की बात करते हैं तो रीजन ऑफ एरर क्या निकल के आएंगे, तो रीजन ऑफ एरर बेसिकली तीन रीजन निकल के आते हैं। पहला रीजन क्या होता है, एरर ड्यू टू
इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्शन के कारण हमारा एरर निकल करके आता है, तो इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्शन के कारण जो निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर बोला जाता है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें तो कैसे निकल के आओगे, देखो जैसे हमने बोला लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वो एक बार तिरछी आ रही है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन तिरछा आ रहा है तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो हम बात करते हैं बहुत बढ़िया N49, तो हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं यहां पर, हम बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के एरर का, जैसे चेन बहुत लंबी हो गई, चेन इज टू लॉन्ग, चेन इज टू लॉन्ग, अगर चेन टू लॉन्ग हो गया था तो टू लॉन्ग होने के केस में जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, एक बार बढ़ गई है तो इंस्ट्रूमेंट हो गया खराब, और इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो इंस्ट्रूमेंट की एरर है, तो एरर ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के कारण निकल करके आती है, तो वो हमारा होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जैसे हम बता, चेन इज टू लॉन्ग, चेन इज टू शॉर्ट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन का अगर एडजस्टमेंट जो थर्डोलाइट का है वो परमानेंट एडजस्टमेंट बिगड़ गया है, या हमें कहें लाइन ऑफ कॉलिमेशन की कोई एरर निकल करके आ रही है, तो वो सभी के सभी किसमें निकल करके आएंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर में निकल करके आते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो हम बात करें एरर ड्यू टू ह्यूमन लिमिटेशंस, ह्यूमन की लिमिटेशंस के कारण हमारी जो एरर निकल के आती है वो हमारी कौन सी होती है, अगर हम बात करें ह्यूमन लिमिटेशन के कारण होती है वो हमारी पर्सनल एरर निकल के आती है, कौन सी, पर्सनल एरर। और पर्सनल एरर की बात करें कुछ भी हो सकता है, लाइक मैं चश्मा पहनता हूं और मुझे बहुत दूर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन मैं रेंजिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, रेंजिंग एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो गई, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो गए तो क्या हो गया, हमारी लिमिटेशंस है, ह्यूमन लिमिटेशंस है कि एक विजिबिलिटी एक पर्टिकुलर रीडिंग तक आ सकती है, तो हम बात करते हैं वो, या स्टाफ की रीडिंग पढ़ रहा हूं, अगर मैं पढ़ रहा हूं स्टाफ की रीडिंग, पढ़ रहा हूं स्टाफ की रीडिंग, पढ़ने में मैंने क्या कर दिया 3.4 की जगह 3.3 कर दिया बस, तो हमने रीडिंग करने की जगह क्या किया, नोट डाउन करने में गलती कर दी, नोट डाउन करने में गलती कर दी, उसने बोला 17 और तुमने डाल दिया 70, उसने बोला 17 mm है तुमने डाल दिया 70 mm है, उसने 17 बोला और इसने क्या बोला, इसने बोला 70 बोल दिया, इसने क्या बोल दिया 70 बोल दिया, तो 70 बोल दिया, तो अब जो निकल के आई वो क्या हो गई, पर्सनल एरर हो गई, वो क्या हो गई है, पर्सनल एरर हो गई। तो हम बात करते हैं यहां पर ये कंडीशन निकल के आती है। अब हम आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण विजिबिलिटी कम हो जाना, ये भी क्या है, एक पर्सनल एरर निकल के आई, या वेदर एरर कहते हैं इसको, एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण बोलते हैं, तो एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण बोलेंगे, तो हम बात करें एरर ड्यू टू एनवायरमेंट एंड कैलेंसेस, एरर ड्यू टू एनवायरमेंट कंडीशन एंड केयरलेसनेस। अगर हम केयरलेसनेस के कारण और हम एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर या नेचुरल एरर बोला जाता है, जनरली क्या बोला जाता है, नेचुरल एरर बोला जाता है इसको, इसमें काउंट किया जाता है नेचुरल एरर। तो बेसिकली तीन तरीके का कैटेगराइजेशन किया गया है, रीजन तीन तरीके कंसिडर किए गए, एक इंस्ट्रूमेंट के कारण, एक पर्सनल कंडीशन के कारण, और एक नेचर के कारण जो निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया है, तो हम बात करते हैं, तो हमारा निकल करके आया, हम बात करते हैं इसको नेचुरल एरर बोल रहे होते हैं। तो तीन बेसिक रीजन यहां पर निकल करके आए हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रीजन ऑफ एरर कहे जाते हैं, रीजन ऑफ एरर। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर, भैया जो देर से आ रहे हैं, जो जल्दी आ रहे हैं, उन सभी को गुड इवनिंग। अब भैया ध्यान दें यहाँ पर लेक्चर पे, तो लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, आपने बोला था इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, मैं करवा रहा हूँ, कई लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, तो प्लीज यार फोकस रहो और ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो यार, मजा तभी आएगा। ठीक है, वायरल बना दो, वायरल, ठीक है, पुराने सारे वीडियो भी वायरल बना दो जल्दी। तो हम बात करें टाइप ऑफ एरर, अगर हम बात करें टाइप ऑफ एरर की, ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ एरर, अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एरर की, तो एरर, अब देखो कई लोग तुम्हें टाइप ऑफ एरर बीच बीच में पढ़ा देते हैं, मुझे पता है टाइप ऑफ एरर बीच बीच में पढ़ा दिया जाता है, बीच बीच में पढ़ा दिया जाता है कि टाइप ऑफ एरर ही होगा, खत्म हो जाता है वहां पे एरर, एरर वाला चैप्टर पे खत्म हो गया, बोले एरर तो पढ़ा दिया हमने, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, टाइप ऑफ एरर में हम बात कर रहे हैं जो तुम्हें पूरा पढ़ा दिया है इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में टाइप ऑफ एरर बता रहा हूं कि तीन तरीके के एरर होते हैं। पहला होता है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, और इसे ही बोला जाता है मिस्टेक्स, अगर ग्रॉस एरर, और हम इसे ही क्या बोलते हैं, मिस्टेक्स बोलते हैं, ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ग्रॉस एरर या मिस्टेक, अब ग्रॉस एरर के केस में इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आ सकती है, ग्रॉस एरर के केस में पर्सनल एरर भी आ सकती है, और ग्रॉस एरर के केस में नेचुरल एरर भी आ सकती है। जब मैं ग्रॉस एरर को डिफाइन कर दूंगा उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये तीनों कैटेगरी इसके अंदर कैसे आ सकती है, वो हम बात कर रहे हैं, ये तीनों कैटेगरी किस तरीके से आती है, वो कंडीशन है। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं यहां पर, जलने वाले लोगों की कमी थोड़ी ना है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर,
सिस्टमेटिक एरर। और अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या होता है, क्यूमुलेटिव एरर। अच्छा ये तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में तुमने आज तक देखा है कभी कोई लिंक, अगर एक्सटर्नल लिंक आई हो और डिलीट हुई हो, तुम लोगों में से किसी ने भी? मैं तो ये चाहता हूं तुम्हारा भला हो, कहीं से भी हो, कोई भी लिंक शेयर करो तुम, कभी भी देखा हो तुम तो। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो सिस्टमेटिक एरर और क्यूमुलेटिव एरर की बात करते हैं, तो हम सिस्टमेटिक एरर और क्यूमुलेटिव एरर, तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा जो निकल के आता है वो एक्सीडेंटल एरर या फिर रैंडम एरर या फिर इसको ही क्या बोलते हैं हम, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स या सिस्टमेटिक एरर या क्यूमुलेटिव एरर या हम बात करें एक्सीडेंटल एरर और रैंडम एरर या कंपनसेटिंग एरर, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो ये कंडीशन निकल करके आती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है vavasar@thetestbook, ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ये कंडीशन निकल के आती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ये कंडीशन निकल करके आती है, अब इनके बारे में हमें एक एक करके समझना है, एक एक करके पहले इनके बारे में समझो कि है क्या ये। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स क्या होते हैं, ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स जो ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस और इनएक्सपीरियंसनेस के कारण होता है, लेक ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर हम बात करते हैं अकर्स ड्यू टू लेक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लैक होने के कारण एंड और केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, इनके कारण जो निकल करके आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स। अब हमारे हमारी केयरलेसनेस कैसे हो सकती है, मान लीजिए आपने जो स्टेपिंग मेथड से आप काउंट कर रहे थे, मतलब आप फुट स्टेप से काउंट कर रहे थे कितने गज की जमीन है, ठीक है, कितने फुट स्टेप्स की जमीन है, उसको एक एवरेज 70 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेते कि इतना लेंथ हमने चला हुआ है और इतना डिस्टेंस यहां पर है। लेकिन क्या कर गया, फोन आ गया, अब फोन पे हम बात करने लगे, हमने 7 की जगह 7 स्टेप्स चला या 70 स्टेप्स चले और हमने उसकी जगह लिख दिया 69 स्टेप्स लिख दिए बस, या 70 की जगह 71 स्टेप लिख दिए, पूरा ऑब्जर्वेशन गलत हो गया, केयरलेसनेस हो गई या नहीं। अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसको क्या हुआ, केयरलेसनेस के कारण हुआ, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कैसा हुआ, मान लीजिए आप यहां पर स्टेपिंग मेथड परफॉर्म कर रहे थे, स्टेपिंग मेथड में क्या था, ये हॉरिजॉन्टल लाना फिर नीचे लाना, फिर हॉरिजॉन्टल लाना फिर नीचे लाना, फिर हॉरिजॉन्टल लाना फिर नीचे लाना, यही करना है या नहीं। और ये हॉरिजॉन्टल ना रख करके आपने इनएक्सपीरियंस से तो आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, या ऊपर की साइड या नीचे की साइड थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ये कंडीशन निकल के आई है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, और टिल्ट कर दिया है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, एरर निकल करके आ जाएगी या नहीं। तो ये हमारी इनएक्सपीरियंस है, इनएक्सपीरियंस होने की प्रवृत्ति के कारण हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल रहे होते हैं हमारा क्या, हमारा बोल रहे होते हैं हमारा ग्रॉस एरर या मिस्टेक। और अगर हम बात करें इन एरर्स को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है क्या, नहीं, तुमने थोड़ा सा तिरछा लिया है यार, इंक्लाइंड कर दिया है, तो हम बात करते हैं यहां पर, तो क्या इंक्लाइंड किया है, तो तुमने जानबूझ के किया, नहीं, आसानी से डिटेक्ट तो नहीं किया जा सकता, ना ही इस पे हम बात करते हैं कि आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, तो इसको हम मेजरमेंट के टाइम अप्रोप्रिएट जो है वो हम लगाते हैं, चेक लगाए रहते हैं, तो हम आगे चेक लगाए थे, तो हम बात करें कैन नॉट बी डिटेक्टेड, दूसरा पॉइंट इसका कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजीली, हेंस अप्रोप्रिएट चेक्स, सॉरी अप्रोप्रिएट चेक्स आर अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट, मेजरमेंट के दौरान अप्रोप्रिएट चेक्स क्या किए जाते हैं, अप्लाइड किए जाते हैं, तो इसके हम बात करते हैं इस तरीके से यहां पर ये एरर निकल करके आते हैं, ठीक है, इसकी ये एरर यहां पर इस तरीके से निकल करके आ रही होती है, क्लियर है बात। तो एरर के बारे में समझ में आया, इस ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स के बारे में समझ में आया, ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स के बारे में आपको समझ में आया या नहीं, ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स के बारे में समझ में आया या नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरा जो निकल करके आता है वो हमारा सिस्टमेटिक एरर, हम बात करते हैं किसका, सिस्टमेटिक एरर
और हम बात करते हैं दूसरा, हम बात करते हैं कौन सा एरर निकल के आया, एक्सीडेंटल या रैंडम एरर, एक्सीडेंटल या रैंडम एरर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल के आती है या नहीं, क्लियर है बात। तो सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं और एक्सीडेंटल एरर की बात करते हैं, तो दो तरीके की एरर की बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसका दूसरा नाम क्या है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, अगर हम आते हैं क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो हम बात करें बिल्कुल अवॉइड करो, जो जो बहुत ज्यादा बात कर रहा है उसको अवॉइड करो, ऐसे लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए, ये लोग चतुर की तरह होते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं क्यूमुलेटिव, देखो वो आंख बंद करके बैठना ही तुम्हारा मेडिटेशन नहीं होता है, जब इतने शोरगुल में इतने डिस्टरबेंस के साथ भी तुम अगर फोकस कर पा रहे हो, दैट इज योर कॉन्फिडेंस और दैट इज योर मेडिटेशन, ओके। अगर मैं इनकी चैट देखने लगूं तो मैं तो डिस्टर्ब ही हो जाऊं, है ना, फिर तुम्हें क्या पढ़ने मिलेगा पता नहीं। सो बस दैट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन करो अपना कि बस फोकस करना है। तो अगर हम आते हैं सिस्टमेटिक, क्योंकि जिन चीजों पर तुम्हारा जोर नहीं है, जिसको तुम समझा नहीं सकते, तो दीवार से सर मारने का कोई मतलब नहीं होता है। अरे जो चाहे हो। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा वो है मधुकर है, NH40N मधुकर है हमारा, ठीक है। चलो तो हम बात करें सिस्टमेटिक एरर और क्यूमुलेटिव एरर की बात करते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर और क्यूमुलेटिव एरर, एक्सीडेंटल एरर की बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग, कंपनसेटिंग बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं कंपनसेटिंग बोल रहे होते हैं इसको, हम क्या बोल रहे होते हैं कंपनसेटिंग बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो ये कंडीशन निकल करके आते हैं, तो हम बात करते हैं कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ, एक बार एरर आई मान लो प्लस टू एमएम की, तो अगले मेजरमेंट में फिर से वही एरर आएगी प्लस टू एमएम की, अगले मेजरमेंट में क्या होगी, वही एरर आएगी प्लस टू एमएम की। ऑल द एरर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में पूरी एरर बढ़ती जा रही है। तो जितना ज्यादा मेजरमेंट लेते जाओगे, उतना ही ज्यादा निकल करके क्या आएगी, उतना ही ज्यादा एरर बढ़ती हुई जाएगी। तो वो एरर जो हर एक मेजरमेंट के साथ एड ऑन होती जाती है, वो एरर जो हर एक मेजरमेंट के साथ एड ऑन होती जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव एरर। और ये एरर या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, एक ही मेजरमेंट के अंदर ये एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकती है, एक ही मेजरमेंट के अंदर ये एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकती। जैसे चेन इज टू लॉन्ग, अब जो एरर निकल करके आएगी टू लॉन्ग की कंडीशन में, वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जल्दी बता दो क्या होगा। टू लॉन्ग बोला है, मेजर्ड वैल्यू कम हो गई, और मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो हम बात करेंगे नेगेटिव निकल के आएगी या नहीं, कैसी निकल के आएगी, नेगेटिव। तो हम अगर टू लॉन्ग के केस में नेगेटिव निकल करके आएगी। अगर हमने बात किया एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट गलत मेजर कर लिया मैंने, एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट गलत मेजर कर लिया, तो अगर एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट गलत मेजर कर लिया, तो आगे के ऑब्जर्वेशन जो आर एल लेने वाले हैं, वो सारे के सारे गलत निकल करके आएंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्यादा ले लोगे या कम ले लोगे, अब उसी के बेसिस पे सारे निकल करके आएंगे। तो वही हम बात कर रहे हैं कि हमारा यहां पर डिफरेंट तरीके की एरर हो सकती है, जो कि एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। तो हम बात करते हैं दिस एरर अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, ओनली ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ऐसी एरर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं थ्रू आउट द वर्क, थ्रू आउट द वर्क, जो भी हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उस थ्रू आउट द वर्क में हम क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव होती है तो हम बात करते हैं, तो वो कंडीशन निकल करके आ रही होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो वो कंडीशन निकल करके आती है, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है, थ्रू आउट द वर्क निकल करके आता है, ये समझ में आया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एरर कौन से लॉज को फॉलो करता है। अगर हम बात करते हैं इट फॉलोज डेफिनाइट पैटर्न और एंड मैथमेटिकल एंड फिजिकल लॉ, मैथमेटिकल एंड फिजिकल लॉ, मैथमेटिकल एंड फिजिकल लॉ, फिजिकल लॉ एंड मैथमेटिकल लॉज को फॉलो कर रहा होता है। और ये ऑब्जेक्टिव आपका एसएससी जेई के अंदर पूछा गया है कि मैथमेटिकल और फिजिकल लॉ कौन सी एरर फॉलो करता है, मैथमेटिकल और फिजिकल लॉ
कौन सा एरर यहां पर डिफाइन करता है? तो हम बात करें सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो मैथमेटिकल और फिजिकल लॉ को हमारा फॉलो कर रहा होता है, उसको हम बात करते हैं अनुसरण कर रहा होता है, ठीक है? तो वो कंडीशन निकल करके आती है। अब कंपनसेटिंग एरर की बात करें तो कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? वो एरर जो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है और ह्यूमन लिमिटेशन के कारण होता है, ह्यूमन लिमिटेशन की रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी के कारण होता है, वो हमारा निकल के आता है। क्या होता है वो हमारा निकल के आता है कि हमारा एक्सीडेंटल एरर। और इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम बात करें बढ़ा दें तो ये एरर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो हम बात करें इट अकर्स इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव थ्रू आउट द वर्क, थ्रू आउट द वर्क एंड ड्यू टू ह्यूमन लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशन इन रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन, रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। राहुल जी आपका आंसर मिल गया। आप राहुल भाटिया जी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था थोड़ी देर पहले, आंसर मिल गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन निकल करके आया था, तो हम बात करें तो ये कंडीशन, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, मुझे कंप्लीट करने दो, आंसर अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करें इट अकर्स इन बोथ डायरेक्शन पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव थ्रू आउट द वर्क एंड ड्यू टू द ह्यूमन लिमिटेशन इन रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इन एरर को मिनिमाइज करना है तो इट इज सजेस्टेड दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दिया जाए। तो टू मिनिमाइज दिस एरर, टू मिनिमाइज दिस एरर इट इज रिकमेंडेड टू टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट इज रिकमेंडेड टू टेक द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लेना हमारा क्या है, रिकमेंडेशन, क्योंकि जब हम लार्ज नंबर ऑफ लेंगे तो कुछ पॉजिटिव जाएंगे कुछ नेगेटिव जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होकर के आएगा। जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज होकर के आ जाएगा। तो अब यहां से एक क्वेश्चन होता है कि थ्योरी ऑफ एरर जो है वो किसके साथ डील करता है? अगर हम कंपनसेटिंग एरर की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, बैड रेंजिंग। पहले रेंजिंग आपने की तो रेंजिंग गलत कर दी, थोड़ा सा एक अंदर साइड कर दिया एक बाहर साइड कर दिया, एक अंदर साइड कर दिया एक बाहर साइड कर दिया, तो बैड रेंजिंग की कंडीशन निकल के आती है। ठीक है, बैड रेंजिंग की कंडीशन निकल के आती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये कंडीशन निकल करके आती है वो हमारी कंपनसेटिंग की होती है। अब हम आगे इनएक्यूरेट सेंटरिंग, एक बार सेंटरिंग गलत कर ली अगली बार सेंटरिंग अच्छी कर ली, लो तो एरर थोड़ी बहुत मिनिमाइज हो जाएगी या नहीं। एक बार रीडिंग थी 30, 30 को पढ़ा 30.1 और एक बार पढ़ लिया 29.9, मतलब 29.9 और एक बार पढ़ लिया 30.1, तो वो कंडीशन निकल के आती है। तो बेटा ऐसे हम बात कर रहे हैं, ऐसी एरर को क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग। अब एक होता है कि थ्योरी ऑफ एरर किसके साथ डील करती है, तीनों में से थ्योरी ऑफ एरर किसके साथ करती है, तो थ्योरी ऑफ एरर जो डील करती है, थ्योरी ऑफ एरर डील्स विद एक्सीडेंटल और रैंडम एरर, एक्सीडेंटल और रैंडम एरर। जबकि ऐसा माना गया है, एक अजम्पशन माना गया है, जो हमारी सिस्टमेटिक एरर है और ग्रॉस एरर है वो हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ साथ धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगी, ऑब्जर्वेशन के साथ क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगी। तो वो कंडीशन निकल करके आती है ऑब्जर्वेशन के साथ धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें तीनों एरर के बारे में पता चल गया या नहीं, हाँ या ना पहले बताओ, तीनों एरर के बारे में पता चला या नहीं, तीनों एरर क्या हैं, किस तरीके से हैं, ये हमें पता चला या नहीं। अब दो तीन टर्म्स और आते हैं, पहला आता है प्रेसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रेसीजन एंड एक्यूरेसी ये क्या है, ठीक है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या है, ये समझ में आया?
आर्यन शुक्ला जी, जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन लेते जाएंगे, ऑब्जर्वेशन लेने के केस में क्या हो, जो मैथमेटिकल लॉज लगते हैं ना, वो मैथमेटिकल लॉज को क्या कर देंगे, हमारा डिसॉल्व करते जाते हैं। मैथमेटिकल लॉज जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डिसॉल्व करते जाते हैं। और ग्रॉस एरर तो क्या है, हमारी लिमिटेशन के कारण है। तो एक बार हम अच्छे से ले लें, एक बार हम गलती से ले लें, फिर उस तरीके से निकल कर क्या जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारा ये थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर हुआ आर्यन शुक्ला जी? बिल्कुल ठीक है। अब दो टर्म आते हैं प्रिसीजन एक्यूरेसी, कोई बताएगा क्या है ये? देखो तो अब देखो यहां पर, ये तुमने लगाया तुम्हारा टारगेट था, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा टारगेट था, एक तुमने शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया, ये तुम्हारा टारगेट था, ठीक है। इस टारगेट में तुमने बिल्कुल अपने कैप्स से अपने इयर्स को कवर अप किया, अपने प्रॉपरली विजन के लिए एक स्पैक यूज किया, सो दैट तुम्हारा फोकस बन जाए। अब तुमने ये सारी सराउंडिंग्स को इस तरीके से बनाया कि कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके, कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। और ये सारा जो डिग्री ऑफ परफेक्शन हम अपने एम को अचीव करने के लिए यूज कर रहे हैं, और उससे जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारी क्या होगी, प्रिसाइज वैल्यू होगी, वो हमारा कहा जाएगा प्रेसीजन, वो हमारा क्या कहा जाएगा, प्रेसीजन। तो सारी स्किल्ड चीजों को लेकर के, सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर करके, हमने डिग्री ऑफ परफेक्शन को जो यूज किया है अपने मेजरमेंट को करने के लिए, अपने मेजरमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अपने मेजरमेंट को करने के लिए जो हमने डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज किया उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। लाइक जब हम पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते थे, जी एक्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का एक्सपेरिमेंट करते थे, तो हमें जो थ्रेड रहता था उसमें हम क्या करते थे, इस कमरे में लटका देंगे तो क्या है, थ्रेड में फ्रिक्शन काम करेगा, लेकिन हमें वैक्यूम में निकालना पड़ता है, कितने उसने यहां पर मूवमेंट किए हैं, कितने दोलन किए हुए हैं, ठीक है, कितने मोशन किए हुए हैं। लेकिन उसमें क्या, एयर ने कहीं फ्रिक्शन लगाया तो इसकी चेंज हो गई यानी वैल्यू, यानी एयर ने कहीं फ्रिक्शन लगाया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, धीरे धीरे करते करते ये जल्दी क्या हो जाएगा, जल्दी ही यहां पर रुक जाएगा, होगा यानी जल्दी ही यहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम आते हैं यहां पर, जो भी प्रिसीजन यूज किया जाता है इस वैल्यू को मेजरमेंट को करने के लिए, जितना भी प्रिसीजन परफेक्शन यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोला जाए। और उस प्रिसीजन के अंदर जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्रिसाइज वैल्यू आएगी, क्या होगी, प्रिसाइज वैल्यू, क्या होगी, प्रिसाइज वैल्यू होगी। और अगर हमने विदाउट इस प्रेसिजन के अंदर जो वैल्यू निकाली और उसकी ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस निकल करके आया, कितना क्लोजनेस आई, तो वो एक्यूरेसी कही जाती है। अगर मैंने यहां पर एक यहां पर निशान लगा दिया, तो बताओ अगर मैं बात कर रहा हूं ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, जो हमारा क्लोज वैल्यू के ज्यादा पास आएगा वो हमारा मोर एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी जो हम बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी ऑफ ए क्या होगी, ज्यादा होगी एक्यूरेसी ऑफ बी से, एक्यूरेसी ऑफ ए ज्यादा हो जाएगी किससे, एक्यूरेसी ऑफ बी से ज्यादा निकल करके आएगी, आएगी या नहीं। बेटा रैंडम एरर कंपनसेट तो हो जाता है, लेकिन इसे कंपनसेट करना आसान नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रैंडम एरर कंपनसेट हो रहा है तो उसको और मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो एरर है वो हमेशा आसानी से कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे, कितनी एक किसी मेजरमेंट में कितनी मैक्सिमम एरर हो सकती है आप बता पाओगे क्या आर्यन जी, किसी भी मेजरमेंट में कितनी मैक्सिमम एरर हो सकती है क्या बता पाओगे, क्लियर है बात। चलो यार क्लास बंद करता हूं मैं, ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे आप, ओके मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, टाटा, कर दूं। कि हमें नहीं बोला था कल थ्योरी ऑफ एरर पढ़ना है, या फिर इन लोगों को ब्लॉक करवा दूं, बाकी लोगों को मैं कर देता हूं अभी, एक एक मैसेज करना है मुझे, ये नाम ब्लॉक कर दो बस,
चलो मैं यहां से कंटेंट कट कर दूंगा ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये मैं बता दे रहा हूं। लेकिन मैं कंटेंट इसलिए कट नहीं करता हूं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका भला हो। और तुम बोलोगे पूरा पढ़ाया है, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। चलो तो हम बात करते हैं यहां पर प्रिसीजन एक्यूरेसी की बात करते हैं। प्रिसीजन क्या कहा जाता है? प्रिसीजन कहा जाता है यहां पर डिग्री ऑफ परफेक्शन जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो प्रिसीजन हम बात करते हैं, प्रिसीजन क्या होता है? जो डिग्री ऑफ परफेक्शन हम सारी चीजों को कंट्रोल करके निकाल रहे हैं वो हमारा डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और डिग्री ऑफ परफेक्शन के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्रिसाइज होगी या नहीं होगी, ये हमें डिफाइन करना होता है। लेकिन एक्यूरेसी क्या है? ट्रू वैल्यू से उसका जो डेविएशन निकल करके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्यूरेसी बोल रहे होते हैं। उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? एक्यूरेसी बोल रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें जितना भी ट्रू वैल्यू के पास पहुंचे, मतलब डिग्री ऑफ परफेक्शन जितना हमने अचीव कर लिया, डिग्री ऑफ परफेक्शन तो हमने यूज किया था कि हमने क्या लगाया था, गॉगल लगाया हमने एयर्स के लिए कि हमने नॉइज नहीं आए, हमारा पूरा फोकस रहे हमारे टारगेट पर, ये सब करने के लिए हमने परफेक्शन यूज किया था। हमने एक वैक्यूम बनाया था कि जिससे हमारा जो है वो फ्रिक्शन ना लगे और हमारा इसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सही आया था, वो परफेक्शन यूज किया था। लेकिन उस परफेक्शन से जो हमने डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव किया, हमने वैक्यूम किया हुआ था, लेकिन हो सकता है कुछ फैक्टर अभी भी यहां पर हो जो इसको अफेक्ट कर रहे हो, कुछ फैक्टर हो जो अभी अफेक्ट कर रहे हैं। तो उन सभी कंडीशन के अंदर जो डिग्री ऑफ परफेक्शन हमने एक्वायर्ड किया है, अचीव किया है, वो हमारा क्या कहा जाएगा? एक्यूरेसी कहा जाएगा। जो डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव किया हुआ है वो हम बात करते हैं यहां पर, तो हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं। डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड वो क्या होता है? प्रेसीजन विद, अगर हम यूज्ड बाय यूजिंग क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल्ड लेबर। हम बात करें जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को उतना कंट्रोल कर सकते हैं। स्किल्ड लेबर, अगर हम स्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो स्किल्ड लेबर को लेते हुए और क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट लेते हुए जो हमने डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज किया है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसीजन। लेकिन अगर हम बात करें डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव्ड किया गया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यहां पर एक्यूरेसी। जैसे जी का जो ट्रू वैल्यू था वो 9.81 था, तो हमने सारे चीजों को लेकर के हमने 9.80 ले आए, 9.80, तो ये क्या है? प्रिसाइज वैल्यू हो गई। लेकिन अगर हमने रैंडमली ओपन में ऐसे एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा कितना आया? 9.2 आया, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्यूरेसी होगी कि इतनी एक्यूरेसी इसकी निकल कर आई। तो ये यहां पर एक एग्जांपल हो गया। तीसरा एक और टर्म होता है डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है? यहां पर समझो डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है। देखो एक हमने लिया 30 मीटर लेंथ की चेन, कितने की ली? 30 मीटर लेंथ की चेन। और 30 मीटर लेंथ की चेन ली तो हमने ए और बी पॉइंट के बीच की बात की, ए और बी पॉइंट कितना था? ये भी 30 मीटर था। जब हमने इस वैल्यू को ए बी को मेजर किया तो एक बार हमारा आया कितना? 30.1 मीटर आ गया, और एक बार आ गया 30.2 मीटर आ गया। तो इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना आया? 0.1 मीटर। तो जब एक ही वैल्यू को, एक ही ऑब्जेक्ट को, एक ही मेजरमेंट को बार बार करते हैं, उस बार बार करने में जो मेजर्ड वैल्यू आती है तो उन मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस निकल करके आता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? उसको हम बोल रहे होते हैं डिस्क्रिपेंसी। तो डिस्क्रिपेंसी क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी।
एक ही क्वांटिटी के डिफरेंट मेजरमेंट के दौरान जो डिफरेंसेस निकल करके आया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी। तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी के डिफरेंट मेजरमेंट के बीच जो डिफरेंसेस निकल करके आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी बोल रहे होते हैं। उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, क्वांटिटी बोल रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। अब ये जो डिस्क्रिपेंसी है, एक्यूरेसी है, प्रेसीजन है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये वेट्स पे डिपेंड करते हैं। वेट मतलब भार नहीं है, वेट का मतलब है किसी भी ऑब्जर्वेशन को करने पर अगर एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो उसका ज्यादा वेटेज ज्यादा रखा जाए, अगर एक्यूरेसी कम चाहिए तो वेटेज क्या रखते हैं, कम रखते हैं। एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो वेटेज ज्यादा रखते हैं और एक्यूरेसी कम चाहिए तो वेटेज कम रखा जाता है। तो हम बात करते हैं वेटेज की, बात करते हैं तो वेटेज के बेसिस पे देखा है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्यूरेसी और वेटेज में क्या डिफरेंस है, या एक्यूरेसी और वेटेज में अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी और वेटेज का रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक्यूरेसी और वेटेज का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो एरर कैसी होगी, एरर कम होगी या नहीं। एक्यूरेसी ज्यादा और एरर कम, और अगर एक्यूरेसी ज्यादा हुई इसका मतलब क्या है, जो वेट ऑफ क्वांटिटी होगा, वेट ऑफ क्वांटिटी मतलब इसका वेटेज जो निकल करके आएगा वो हमें क्या देना पड़ेगा, क्वांटिटी का वेटेज ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लेंथ बढ़ा दें तो एक्यूरेसी कम होगी या नहीं। अगर हमने एक तो ये पॉइंट हो गया तो यहां से क्या निकल के आएगा, तो वेट ऑफ अ क्वांटिटी अगर हम बात करें तो वेट ऑफ द क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी होगा या नहीं। लेकिन अगर हमने दूसरा लेंथ ऑफ अ लाइन, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ अ लाइन, एक लाइन की लेंथ को बढ़ा दिया तो तुम मुझे बताओ एक्यूरेसी बढ़ेगी या घटेगी, मतलब एरर बता दो, एरर बढ़ेगी या घटेगी। अगर लेंथ की लाइन को बढ़ा दिया तो एरर बढ़ जाएगी या घट जाएगी, एरर विल डिक्रीज और इंक्रीज, एरर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और अगर एरर इंक्रीज हुई तो बताओ, एरर इंक्रीज हुई तो वेट क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा या नहीं, वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ अ लाइन बढ़ा दी, पहले मैंने ए से बी तक मेजरमेंट किया था तो कुछ ना कुछ लेंथ आई थी ए से बी तक, अब मैंने ए से सी तक मेजरमेंट किया, ए से सी तक मेजरमेंट करने तो थोड़ा सा तिरछा चले गए, एरर बढ़ सकती है या नहीं, एरर बढ़ेगी, और एरर बढ़ेगी तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर मैंने यहां पर क्या किया हुआ था, ध्यान रखना, यहां से अगर मैंने देखूं तो अगर मैं ए बी प्लस बी सी की बात करूं तो ए बी का कुछ और मेजरमेंट का वेट होगा, इसका वेट कुछ और होगा, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी निकल के आई ए सी उसका वेट कुछ चेंज हो जाएगा या नहीं। एक क्वांटिटी है ए बी और एक क्वांटिटी है बी सी, एक क्वांटिटी है ए बी एक क्वांटिटी है बी सी और उन दोनों का समेशन किया ए सी, तो दोनों का क्वांटिटी को एड करने पर, दोनों क्वांटिटी को एड करने पर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आई उसका वेट कुछ डिफरेंट होगा या नहीं। हाँ है ना, बिल्कुल, प्रोडक्ट में क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर हुई बात या नहीं, हाँ या ना। तो अगर हमसे ये भी पूछ ले भैया जी हमसे क्या पूछ लें कि अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द लाइन होने पर क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ मेजर्ड, जो भी लेंथ हम मेजर्ड कर रहे हैं उसके क्या निकल के आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आएगा। अच्छा, वेट जो होगा वो वेरिएंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, हमने बहुत सारे मेजरमेंट किए और वो मेजरमेंट यहां वहां फैले हुए, ये मेजरमेंट किए हमने बहुत सारे, तो एक मीन पोजीशन की बात करें, मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से एक एक मेजरमेंट की जो है डिस्टेंस वो कितनी निकल करके आ रही है, मीन पोजीशन से एक एक मेजरमेंट की डिस्टेंस निकल के आ रही है वो कौन बता रहा है, वो हमारा बता रहा है, कौन सा, वेरियंस। तो वेरियंस क्या बताता है कि मीन पोजीशन के दोनों साइड पर जो हमारे एरर हैं वो किस तरीके से फैले हुए हैं।
तो ध्यान रखना, वेट वेरिएंस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा वेरिएशन होगा मीन पोजीशन से, उतना ज्यादा एरर होगा, और उतना ज्यादा एरर होने का मतलब है कि वेट उतना ही कम निकल करके आएगा। और ये वेरिएंस वाला क्वेश्चन एसएससी जेई के अंदर पूछा गया है, वेरिएंस वाला क्वेश्चन एसएससी जेई के अंदर पूछा गया है। तो इतनी सारी चीजें बता दी मैंने। एक, अब मैंने तुम्हें लैंग्वेज नहीं लिखवाई, लेकिन मैंने तुम्हें चीजें सारी बता दी, अगर तुम समझ पाए तो। हाँ, तो डिस्पर्सन ही तो बता रहा हूं, डिस्पर्सन ही तो मेजर कर रहा है वेरियंस। वेरियंस को मैंने कहा बोला कि वेरियंस कुछ और मेजर कर रहा है, वेरियंस डिस्पर्सन ही तो मेजर कर रहा है कि एक मीन पोजिशन के दोनों साइड पर किस तरीके से डिस्पर्स है। मीन पोजीशन के दोनों साइड पे किस तरीके से डिस्पर्स है, यही तो बता रहा है। वही बताया डायग्राम से मैंने, आई थिंक मैथमेटिक्स में यही बताते हैं हम, है ना? आई होप सो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेट। अगर दो क्वांटिटी को जोड़ा जाए और दो क्वांटिटी को घटाया जाए तो रिजल्टेंट का वेट क्या निकल कर आता है, रिजल्टेंट का वेट क्या निकल के आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, यहां पर ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में मैंने बात की कोई क्वांटिटी ए है और कोई क्वांटिटी बी है, और यहां उनके वेट दिए गए, यहां उनका वेट दिया गया, इसका वेट जो दे दिया गया है वो कितना है, वो लेट से हम बोल देते हैं डब्ल्यू वन, इसका वेट कितना बोल देते हैं, इसका वेट बोल देते हैं लेट से डब्ल्यू टू। ठीक है, इसका वेट W1 और इसका वेट W2। तो पहला रूल, लॉज ऑफ सम, एडिशन, एडिशन का रूल देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एक क्वांटिटी है A जिसका वेट W1 है, एक क्वांटिटी है V जिसका वेट W2 है, तो एक रिजल्टेंट क्वांटिटी निकाल के लाते हैं हम, A इज A प्लस B, तो बताओ C का वेट कितना निकल के आएगा। तो वेट ऑफ C, अगर हम वेट ऑफ C बोलते हैं तो वेट ऑफ C कितना होगा, तो वेट ऑफ C कितना निकल के आएगा, तो W इज इक्वल टू जो होता है वन अपॉन डब्ल्यू वन प्लस वन अपॉन डब्ल्यू टू निकल करके आए। मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ देयर वेट, रेसिप्रोकल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेट, रेसिप्रोकल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेट, क्लियर है बात? तो ये कंडीशन निकल के आती है किसका, वेट ऑफ सी, और इस तरीके से आपको यहां पर क्वांटिटी दी जाएगी, मतलब इसका वेट दो है, इसका वेट तीन है, तो आप एक नई क्वांटिटी बनाओ और उसका वेट कितना निकल करके आएगा, उसका वेट कितना निकल के आएगा। तो हम बात करते हैं, ये एडिशन का रूल हो गया। अगर हम सब्सट्रैक्शन का रूल देखें, सब्सट्रैक्शन का रूल देखें, तो सब्सट्रैक्शन का रूल क्या निकल के आएगा, सब्सट्रैक्शन का रूल अगर हम, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया इस बार, ए माइनस बी, तो वेट ऑफ सी, वेट ऑफ सी निकालोगे तो वेट ऑफ सी क्या निकाले, सेम निकल करके आता है वन अपॉन, अगर हम आते हैं सॉरी, वेट ऑफ सी डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन डब्ल्यू वन प्लस वन अपॉन डब्ल्यू टू निकल करके आता है। तो ये हमारा वेट निकल कर आता है अगर हम क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन भी करते हैं, तो जितनी भी क्वांटिटी होंगी उनका हम यहां पर सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट ऑफ ए माइनस बी अगर हम बात करें तो कितना निकल के आएगा, तो ये हमारा निकल, क्लियर हो रही है बात? यानी तो डायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्टली उठा करके देख लेना, यूपी पीएससी एई में भी पूछे गए हैं। और हम बात करते हैं यहां पर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा, किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव होगा, हमेशा वेट समेशन होता है। यस, इन बोथ इट कम्स सेम, बोथ में ही सेम आता है, दोनों में सेम ही निकल करके आता है मेरे बच्चों। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, किसका, मल्टीप्लाई की। तीसरा हम बात करते हैं तो कितना, मल्टीप्लाई की बात करते। अगर कोई क्वांटिटी है ए, एक क्वांटिटी अगर हम बात करते हैं यहां पर, चलो इस दूसरे तरीके से लिखते हैं, एक क्वांटिटी है हमारी ए क्वांटिटी, और अगर हम बात करते हैं यहां पर तो हम बात करते हैं यहां पर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है और ये क्या है, इसका वेट निकल करके आया,
No issues, no issue. If you have a little bit problem in Hindi, I will provide you the English lectures also. ठीक है? हाँ तो बेटा क्वांटिटी ए माइनस बी करके आता है, लेकिन वेट हमेशा सेम रहेगा, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो दो क्वांटिटी को, उनका वेट हमेशा सेम, रिजल्टेंट क्वांटिटी का वेट हमेशा सेम निकल करके आया है, रिजल्टेंट क्वांटिटी का वेट हमेशा सेम निकल के आता है, यही तो वेट ऑफ लॉस है। अब उसको पूरा डेराइव करके बताऊंगा तब समझ में आएगा वो पूरा। ठीक है, तो हम आगे, क्वांटिटी हमारी ए है और उसका वेट हमने बोल दिया डब्ल्यू, उसका वेट कितना है डब्ल्यू। तो अगर हम बात करते हैं तीसरा रूल लगाते हैं किसका, मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन का तीसरा रूल लगाया तो हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें एक क्वांटिटी निकाल के आया 4a, 4a नई क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी 4a, किसका मल्टीप्लाई किया 4 का, तो क्वांटिटी वेट ऑफ 4a, 4a का वेट कितना होगा, अगर हम 4a का वेट निकालें तो वेट ऑफ a अपॉन 4 का स्क्वायर, ये हमारा वेट ऑफ 4a निकल गया आएगा। 4a का वेट कितना होगा, वेट ऑफ ए यानी डब्ल्यू अपॉन 4 का स्क्वायर। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें डिवीजन की बात करते हो, डिवीजन में, डिवीजन के केस में कितना होता है, डिवीजन के केस की बात करें तो हम बात करें ए बाई फोर हमारी क्वांटिटी हो गई है, न्यू क्वांटिटी क्या हो गई है ए बाई फोर, तो वेट ऑफ ए बाई फोर, ए बाई फोर का वेट कितना होगा, वेट इंटू 4 का स्क्वायर। तो जिस क्वांटिटी से, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं डिवीजन में, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं किसमें, तो मल्टीप्लाई करने पे, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे उसकी वेट क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि डिवाइड करने पे वेट बढ़ जाएगी। क्यों, डिवाइड करने पे लेंथ छोटी हो रही है या नहीं, और लेंथ छोटी होगी तो वेट बढ़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पे लेंथ बढ़ रही है, और लेंथ बढ़ेगी तो वेट। ओहो सर वो कॉन्सेप्ट याद आ गया पीछे वाला, रटने की जरूरत है, आप क्या रटने की जरूरत है, नहीं आई बात समझ में या नहीं, पीछे वाला कॉन्सेप्ट, लेंथ मेजर्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट, आई बात समझ में, तो ये कंडीशन निकल के आती है। नेक्स्ट हम रूल क्या पढ़ते हैं, अगर हम बात करें फिफ्थ रूल पढ़ते हैं, तो अगर हम बात करें ओनली साइन चेंज, इफ ऐसा लिखो, इफ ओनली साइन चेंज फॉर अ क्वांटिटी, ठीक है, तो अगर हम बात करें इफ ओनली साइन चेंज फॉर अ क्वांटिटी, और ऐसे देखो, फॉर साइन चेंज फॉर अ क्वांटिटी देन देयर विल बी नो चेंज इन वेट, मतलब एक क्वांटिटी है ए, उसका वेट कितना है, वेट जो है वो डब्ल्यू है, तो हम क्वांटिटी अगर हम लिखते हैं, इसी को चेंज करते हैं, इसी को हम चेंज करके क्या लिखते हैं, इसी को चेंज करके क्वांटिटी, क्वांटिटी जो हो गई है वो क्वांटिटी हो गई है माइनस ए, तब भी वेट कितना रहेगा, वेट हमेशा कितना रहेगा, डब्ल्यू ही रहने वाला है, वेट हमारा क्या रहने वाला है, डब्ल्यू ही रहने वाला है, जो वेट है वो हमारा क्या है, डब्ल्यू ही रहने वाला है। तो तुम पूछ रहे थे ना ए प्लस बी का सर वेट कितना निकाला था, उसमें ए माइनस बी का कितना हो गया, तो क्वांटिटी का क्या किया है, साइन चेंज कर दिया, तुम यही लिख लो इसको, ए प्लस माइनस ऑफ बी लिख दो इसको, क्लियर हुई बात, साइन चेंज करके हमने ऐड कर दिया है बस, और वो ये निकल करके आ गया है, आई बात समझ में या नहीं, ठीक है, तो ये निकल करके आया, तो ये कंडीशन निकल आया। अब हम बात करते हैं इस क्वांटिटी में, अगर इट इज इफ अ क्वांटिटी इज एडेड विथ कॉन्स्टेंट देन देयर इज नो चेंज इन वेट, तो एक क्वांटिटी है ए और वेट कितना है डब्ल्यू, तो क्वांटिटी ए प्लस फाइव कर दिया है तब भी वेट कितना होगा, डब्ल्यू ही निकल करके आएगा,
अगर एक क्वांटिटी ए है उसमें हम किसी कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं या कांस्टेंट को घटा देते हैं तब भी उसका वेट क्या रहने वाला है, सेम निकल के आएगा। तब भी वेट क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक हमारा क्वांटिटी है और यहां पर वेट है, तो क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटिटी हमारी नहीं होगी यहां पर एक्स वन लेट से एक्स टू और यहां पर वेट हो गया डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू। इस W1 की वैल्यू मैं बोल देता हूं 1 है और इस W2 की वैल्यू भी 1 है, चलो इसकी टू वैल्यू 2 है, तो यहां पर जो हमारा मीन वेटेड मीन निकल करके आता है तो वेटेड मीन कितना निकल के आएगा, इन क्वांटिटी का वेटेड मीन कितना निकल के आएगा, तो वेटेड मीन x बार इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, x बार होगा x1 इनटू W1 प्लस x2 इनटू W2 अपॉन कितना निकल के आएगा W1 प्लस W2 निकल के आएगा। तो यहां पर हम देखेंगे x बार कितना हो जाएगा, x1 इनटू 1 प्लस x2 इनटू 2 अपॉन कितना निकल के आएगा, 1 प्लस 2 निकल के आएगा। बट स्पेशल केस, इसका हम स्पेशल केस लिखते हैं, स्पेशल केस तो हम बात करते हैं इफ W1 is equal to W2 is equal to 1, अगर सारे वेट जो होता है 1 होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सारे वेट जो निकल कर के आते हैं वो कितने हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, अगर सारे वेट 1 हो जाते हैं तो सारे वेट 1 हो गए, लो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सारे वेट 1 हो गए हैं तो उस कंडीशन में x बार कितना निकल के आएगा, सिंपली x1 plus x2 by 2 निकल के आएगा, मतलब सिंपल एवरेज निकल करके आ जाता है। और इस वेटेड मीन को हम बोल रहे होते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू MPV बोला जाता है, मतलब एक मेजरमेंट में, एक मेजरमेंट में जो ट्रू वैल्यू के सबसे पास वैल्यू आने के चांसेस होते हैं वो हमारा कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहा जाता है, वो हमारा क्या कहा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो डिफरेंट मेजरमेंट के बाद, जो मेजरमेंट के बाद जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस, जिस वैल्यू के सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं वो हमारा कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट। बेटा न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर वैल्यू ही रखनी है। देखो अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी रख दूं, जैसे मान लो इसमें क्वांटिटी रख देता हूँ, ये 5 हो गई है, ये 6 हो गया है, इसका वेट 1 हो गया है और इसका वेट हो गया है 3, अब बता दो इसका वेट कितना निकल के आया, बन गया न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बन गया है, वेट निकल कर गया है। बोला एक क्वांटिटी को मेजर करने में वेट 1 है और दूसरी क्वांटिटी को मेजर करने में वेट है, अगर दोनों का समेशन किया तो रिजल्टेंट वेट कितना हो, तो बेटा 1 upon 1 upon 1 प्लस 1 upon 3, 1 upon 3 की बात करें तो कितना 4 upon 3, 4 upon 3 की बात 3 upon 4, तो सी की वैल्यू कितना 3/4 निकल के आ जाएगी, खत्म खेल। आया समझ में क्या बोला, कैलकुलेशन की है मैंने केवल यार, कैलकुलेशन की है, क्लियर है बात। तो यहां पर एक टर्म आता है रेजिड्यूअल एरर, रेजिड्यूअल एरर, तो किसी भी मेजरमेंट को कितना भी प्रिसाइज कर लो, किसी भी मेजरमेंट को कितना भी प्रिसाइज कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ एरर हमेशा रह जाती है, तो वो एरर क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो हमारी क्या निकल करके आती है, रेजिड्यूअल एरर। और ट्रू एरर क्या होती थी हमारी, ट्रू एरर, अगर हम ट्रू एरर की बात करें क्या होता था हमारा, होता था मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड या हम बात करते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू अप माइनस कितना निकल के आता है, ट्रू वैल्यू निकल करके आता है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा पास, तो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैंने बोला कि एक ऑब्जर्व वैल्यू है हमारी, ऑब्जर्व वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और यहां पर लिख रहा हूं ट्रू वैल्यू किसी भी मेजर में, अगर ट्रू वैल्यू 2 थी तो ऑब्जर्वेशन लिया मैंने कितना हुआ 1.78 हो गया, 1.70 हो गया सपोज, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब सारे प्रिसाइज मेजर को लेकर के, धन्यवाद दक्षी धन्यवाद, चलो ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो एमपीवी की बात करते हैं, एमपीवी तो एमपीवी क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, तो हम सारे मेजरमेंट को प्रिसाइज मेजरमेंट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा, 1.92 निकल कर आएगा सपोज। ये एरर कभी भी इलिमिनेट, अगर हम बात करें अब रेजिड्यूअल एरर निकालना, जरा रेजिड्यूअल एरर, अगर हम रेजिड्यूअल एरर निकालें तो क्या होगा, रेजिड्यूअल एरर, रेजिड्यूअल एरर इज इक्वल टू कितना होगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, कितना 1.70। तो ऑब्जर्व वैल्यू से निकाला गया तो कितना निकल करके आएगा, अगर हम 297 की बात करें 2.00 निकल करके आएगा,
और अगर ट्रू एरर निकाले तो ट्रू एरर कितना निकल कर आएगा, ट्रू एरर, ट्रू एरर की बात करें तो कितना निकल कर आएगा, वो आएगा मेरा मेजर्ड वैल्यू माइनस टू, कितना आया माइनस 0.30 निकल करके आया। क्लियर है बात? तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आया, तो हम बात करते हैं, देखो रेजिडुअल एरर क्या है, ये एरर जो कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना भी प्रिसाइज आप लेने की कोशिश करो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, इट इज वैल्यू, इट इज द वैल्यू विच हैव मोर चांसेस टू बी ट्रू, टू बी ट्रू। क्लियर है बात? टू बी ट्रू, जो ट्रू होने का मोर चांसेस रखती है वो हमारी निकल करके आएगी। अभी समझ में आया या नहीं? और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसके बेसिस पे आएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बेसिस पे आएगी। किसके? ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बेसिस पे आएगी। हाँ 1.7 माइनस 2 भी लिख सकते हो, हम ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के बेसिस। तो यहां ट्रू वैल्यू लिख लो, अगर ट्रू वैल्यू लिखोगे तो वो कंडीशन निकल के आएगी, तो हमारे माइनस 2 हो जाएगा, तो हम ये कभी भी नहीं निकाल सकते। क्लियर है बात? क्लियर है? लक्ष्य यार पीछे थोड़ा सा जाके देखो, काफी बड़ा लेक्चर हो गया है ऑलरेडी, तो पीछे थोड़ा सा जाके देखो सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, थोड़ा सा पीछे जाओ 10 मिनट के, ठीक है? क्लियर है बात? चलो क्लियर है। तो ये हमारी कहानी कई बार पूछी गई है रेजिडुअल एरर के बारे में, तो मैंने यहां पर वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो लॉज ऑफ वेट, थ्योरी ऑफ एरर, सब कुछ यहां पर कंप्लीट कर दिया है, इतना एसएससी के पर्पज से अच्छा है। फिर आप मोस्ट प्रोबेबल एरर निकालोगे, मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकालोगे, सारी चीजें निकालोगे, तो वो क्या निकल करके आएंगी, वो हमारा फिर वहां से हमें अलग से ईएससी सिलेबस में जाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है? तो बिल्कुल यार बास पास कोड के साथ आज ही अपना टेस्ट बुक पास एनरोल करो, केवल ₹315 में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वैभव 20 कोड के साथ, वैभव 20 कोड के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पर टेस्ट बुक सुपर कोचिंग को एनरोल कर सकते हो बिल्कुल आज ही के लिए, कम से कम प्राइस में, हम आके 413 में, ठीक है? तो 413 में निकल के आते हैं, ठीक है? तो ये कंडीशन निकल करके आती है। तो कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, टेस्ट बुक पास के लिए कैसे एनरोल करना है। आप यहाँ पर जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर केवल एक ही व्यक्ति ने दिया हुआ है, राहुल जी ने, ठीक है, राहुल भाटिया जी ने। तो यार ये बहुत गंदी बात है, कम से कम यार आंसर तो लिख लिया करो यार। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या करना है, शो मोर में जाओगे आप, शो मोर में जाने पर क्या मिलेगा, टेस्ट बुक पास की लिंक मिलेगी। तो आप बाय टेस्ट बुक पास में जैसे ही जाते हैं, बाय टेस्ट बुक पास में जाते हैं, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो जो हमने पढ़ा हुआ भी वो थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर ही थी, ठीक है, वो बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ईयरली टेस्ट बुक पास जो है वो 349 का पड़ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, अप्लाई कूपन करना है। कूपन क्या अप्लाई करोगे, VASPASS, और बास पास कोड को अप्लाई करोगे, जैसे ही बास पास कोड को अप्लाई करोगे ये ₹315 में पड़ने वाला है, ₹315 में पड़ने वाला है। तो यहाँ पर एक्सेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है आपको, जो कि आपके लिए हेल्पफुल निकल करके आएंगी, ठीक है? चलो थ्योरी ऑफ एरर मैंने बता दिया है, वैसे तो मैंने नाम से नहीं बताया, थ्योरी ऑफ एरर, थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये है थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर, थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यही है थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्या किसी भी मेजरमेंट पे तुम कितना भी कोशिश कर लो, एक क्लोज वैल्यू तक जा सकते हो, कंप्लीटली एरर कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हो, हमेशा रेजिडुअल एरर अवेलेबल रहेगा, और रेजिडुअल एरर, ठीक है, और रेजिडुअल एरर हमेशा अवेलेबल रहेगा, इस रेजिडुअल एरर हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने यहां पर बता दिया है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज कंप्लीटेड, राहुल भाटिया जी। नाम लिख दिया बस काफी है, कुछ चीजें तुम क्वेश्चन लगाओगे ना तो मैं अपने आस... अरे यार इसका नाम नहीं बताया सर, लेकिन ये पढ़ाया तो था सर, बुक्स में देख लेना, यही है थ्योरी ऑफ लीस्ट, सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर यही है। अब तुम लैंग्वेज के फॉर्म में मैथमेटिकल, क्योंकि थ्योरी ऑफ एरर में बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसमें मैं तो मैं गया ही नहीं हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है? यस यस यस, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू गिव द, थैंक यू सो मच गाइस।
चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस